अच्छा तो दोस्तों मुर्गियों को मैं रोटियां डाल रहा हूँ अब ना तोड़ के छोटी छोटी करके। पहले मैं गीली रोटियां डाल देता था, अब गीली इसलिए नहीं डालता कि मुर्गियां मेरी जब अंडे देती हैं तो जब कुड़क मलती हैं तो थोड़ी थोड़ी जब हीट में आती है उसके बाद मैं गीली रोटी डालता था, वो हीट ख़त्म हो जाती थी, उसके बाद कुड़क ही नहीं मलती थी, तो जिसकी वजह से मेरे अंडों का नुकसान होता था। तो अब मौसम भी थोड़ा तब्दील हो गया तो मैं इनको ना घर से लाता हूँ जो खुशक रोटियां, उनको छोटी छोटी करके इनको डाल देता हूँ। ये माशाल्लाह बहुत खुश होकर डाल खाती हैं तो वो रोटियां भी इनके लिए अच्छी हैं। अब गीली रोटियां सख्त गर्मी में डालते हैं और अब डालूंगा भी मैं उन्हीं को, अगर गीली डालूंगा जो पट्ठे वगैरह उनको, जो मुर्गी हैं और जो ब्रीडर मुर्गी हैं उनको, में से मैं किसी को भी ना रोटी गीली नहीं डालूंगा क्योंकि वो गीली रोटी इनके लिए नहीं सही है। मुर्गियाँ वगैरह जो एक्स्ट्रा आपके चूचे हैं पट्ठे हैं उनके लिए सही है मुर्गियाँ, गीली रोटी जो नहीं है उनके लिए बिल्कुल नहीं मुफीद। तो माशाल्लाह देखिए मुर्गियाँ बाहर हैं खाने के लिए, तो बड़ा अच्छा सीन है। तो आप भी कोशिश किया करें अपनी जो ब्रीडर मुर्गियाँ या मुर्गे हैं उनको आप रोटियाँ डालें, और वो ऐसे डालें कि खुशक रोटियाँ, गीली रोटी बिल्कुल ना डालें। तेज़ गर्मियों में आप डाल दें क्योंकि इस तरह हो जाती है रोटी की तासीर ठंडी, तो वो जब खाती हैं तो फिर ये हीट नहीं सही मिलती, अंडे देती हैं पर हीट नहीं सही मिलती, तो फिर अंडे फिर ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि जब हमारे पास कोई होगी नहीं मुर्गी कुड़क बैठाने के लिए तो अंडे तो ऑटोमेटिकली ज़ाया हो जाएंगे। अच्छा तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैं ऊपर आया हूँ, आप मौसम चेक करें, माशाल्लाह मौसम तो बड़ा अच्छा हुआ है। इसी के साथ पीछे ये सारी ज़मीनें हैं जहाँ पे मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो और मौसम आज खुली हवा मतलब तो ठंडी हवा चल रही है, लोग भी आए हुए हैं फिरने वगैरह, उसी के साथ से नीचे हमारी मुर्गियाँ फिर रही हैं, तो मौसम भी बड़ा इंजॉय वाला हुआ है। फुल टाइम मुर्गियाँ भी फुल ईजी हैं, गर्मी ख़त्म हो गई है, सब चारों तरफ ना देखें जंग अपना खेत वगैरह ही हैं, और वो बाबा बकरी वाले बकरियाँ अपनी चरा रहे हैं, वो रोज़ ही ऐसे चढ़ाते हैं, सारी चारों साइडों पे बकरियाँ चढ़ाते हैं। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा व्यू है, मतलब बड़ा सुकून मिल रहा है, वहाँ बहुत ठंडी है। आपको पता है जब पीछे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ना तो मैं ऊपर आके लेट जाता था, ऊपर हवा बड़ी अच्छी थी, मतलब नीचे कम नीचे तो हवा ना होती थी ना, तो ऊपर आके लेटो ऊपर फिर बड़ा सुकून हो जाता था, तो बड़ा अच्छा सीन था। तो मुर्गियाँ भी नीचे फिरती रहती थी, एक तो नज़र भी रहती थी मुर्गियों पर, और बाकी काम भी बड़े अच्छे हो जाते थे, सुकून से गर्मी भी नहीं लगनी, सुकून से लेटे रहो लेटे रहो, जब टाइम हुआ बंद करने का बंद करके चले गए घर।